दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपकर सकल रेट बढ़ाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों की समस्या समाधान को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में 25 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के अफसरों की एक बैठक बुलाई गई है। डीएम जसजीत कौर को सोमवार को दिए ज्ञापन में किसानों ने कहा कि 27 दिसंबर 2021 में समिति द्वारा एक महापंचायत तहसील परिसर में की थी, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मौजूद रहे थे। महापंचायत के बाद किसान संघर्ष समिति को एनएचआई के प्रोजेक्ट निदेशक के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बैठक कराने का आश्वासन दिया था, किंतु बैठक अभी तक नहीं हुई है। प्रतिनिधि मंडल ने किसान प्रोजेक्ट निदेशक के साथ प्रशासन की मौजूदगी में शीघ्र बैठक कराने की मांग की है। किसान संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक ने बताया कि 25 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें किसान प्रतिनिधि और एनएचआई के प्रोजेक्ट निदेशक संजय मिश्रा व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। किसानों ने कहा कि जब तक वर्तमान मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। प्रतिनिधि मंडल में गठवाला खाप के थाम्बेदार श्याम सिंह मलिक, ठाकुर वीर सिंह, विजेंद्र सिंह, सुरेश राणा, पप्पू मलिक, अनुज प्रधान, प्रमोद, सहदेव सिंह आदि किसान उपस्थित रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।